तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव मास एंड फर्मी एनर्जी लेवल। अब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करें अगर हम, तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या होते हैं, फ्री चार्जेस नहीं होते, ठीक है। तो हम जैसे ही क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसको एनर्जी मिलेगी टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, हीट प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाएंगे। ये क्या है, वैलेंस बैंड, और ये क्या है, कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ, तो हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो पीछे क्या छोड़ जाएगा, एक होल छोड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे पीछे क्या छोड़ जाएंगे, होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री होते हैं कंडक्शन बैंड में और होल्स फ्री होते हैं वैलेंस बैंड में। तो हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे उतने ही हमारे पास फ्री होल्स बनेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए n इज इक्वल टू p, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ होल, और इसकी वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में लिखी थी। तो इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, एन सी ई रेस टू पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ बाय के बी टी इज इक्वल टू एन वी e रेस टू पावर ई एफ माइनस ई वी बाय के बी टी, यही थी, ठीक है। अब इस टर्म को नीचे लेके आते हैं, तो एन सी बाय एन वी इज इक्वल टू, इस टर्म को चाहे यहाँ पे ले आओ, ई सी माइनस ई एफ माइनस ई वी बाय के बी टी डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर ई सी माइनस ई एफ बाय के बी टी, ठीक है। ये टर्म ऊपर जाएगी, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ई रेस टू पावर ई एफ माइनस ई बी, ठीक है, ये ऊपर गई तो प्लस हुआ, ठीक है। अगर ये प्लस होता है तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, ई रेस टू पावर ई सी माइनस ई एफ बाय के बी टी, ठीक है। e रेस टू पावर माइनस कॉमन लिया, ई एफ माइनस ई वी, इन दोनों के आगे माइनस लग जाएगा, माइनस ई सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर निकालोगे माइनस माइनस प्लस ई सी, प्लस माइनस 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 ई वी, वही बन जाएगा डिवाइडेड बाय के बी टी। तो यहां से टू टाइम्स ई एफ हो जाएगा एन सी बाय एन वी, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये टू टाइम्स ई एफ, टू टाइम्स ई एफ, ठीक है। यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं, ई वी प्लस ई सी बाय के बी टी। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, इन दोनों की वैल्यूज क्या थी हमारे पास, इन एम सी की वैल्यू क्या थी, टू टू पाई एम ई स्टार के बी टी बाय एच स्क्वायर रेस टू पावर थ्री बाय टू, और एन V की वैल्यू क्या थी, सिर्फ यहाँ पे एन एच आ जाएगा, एन एच स्टार के बी टी बाय एच स्क्वायर रेस टू पावर थ्री बाय टू इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस टू ई एफ माइनस ई वी प्लस ई सी बाय के बी टी, यही बन जाएगा। तो यहाँ से टू के साथ टू कैंसल और बाकी टर्म सारी कैंसिल हो जाएंगी, जैसे टू पाई के बी टी एच स्क्वायर, टू पाई के बी टी और एच स्क्वायर, ये बच जाएगा हमारे पास। तो यहां से एम ई स्टार बाय एम एच स्टार रेस टू पावर थ्री बाय टू इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस टू ई एफ माइनस ई बी प्लस ई सी बाय के बी टी, ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये वाला एक्सपोनेंशियल इस तरफ क्या हो जाएगा, लॉग बन जाएगा। तो ये बना हमारे पास लॉग ऑफ एम ई स्टार बाय एम एच स्टार रेस टू पावर थ्री बाय टू इज इक्वल टू, ये माइनस को खत्म करते हैं तो माइनस टू ई एफ, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ई वी प्लस ई सी डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है
के बीटी, ठीक है। तो यहां से अगर हम ई एफ की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन हमारे पास, ई एफ पहले तो ये मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और हम क्या करते हैं इस टर्म को इस तरफ लेके आते हैं, ठीक है, और इस टर्म को इस तरफ, तो हमारे पास ये बन जाएगा ई वी प्लस ई सी माइनस लॉग ऑफ एम ई स्टार बाय एम एच स्टार रेस टू पावर 3/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई हुआ है केबीटी के साथ, तो यहाँ पे माइनस 3/2 केबीटी, ठीक है, और ये वाला 2 डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई किया केबीटी हुआ, ठीक है, केबीटी हो रही है, पावर 3/2 बाहर आई है, और ये 2 के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये बन जाएगा। तो हमारे पास ई एफ का एक्सप्रेशन ये आ गया है, ठीक है, ई एफ का एक्सप्रेशन ये बन गया है, ई एफ इज इक्वल टू ई वी प्लस ई सी बाय 2 माइनस 3/4 केबीटी log of m e star by m h star, ठीक है, यही बन गया है एक्सप्रेशन। अब देखो अगर हम टेम्परेचर जीरो पे बात करें, अगर हमारा टी जीरो केल्विन है तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे ई एफ क्या हो जाएगा ई वी प्लस ई सी बाय 2। तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर जीरो केल्विन होता है तो हमारे पास फर्मी लेवल कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, फर्मी लेवल इन दोनों लेवल के सेंटर में एग्जिस्ट करेगा। अगर ये हमारा कंडक्शन लेवल है, ये वेलेंस लेवल है, तो हमारे पास फर्मी लेवल बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा, ये ई सी ये ई वी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्मी लेवल बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा किसके, कंडक्शन और वेलेंस बैंड के, ठीक है। तो ये कब है, जब हमारा टेम्परेचर जीरो केल्विन है, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फर्मी लेवल, ठीक है, एन टाइप के लिए क्या होगा, अगर हम एन टाइप मटेरियल की बात करें तो एन टाइप मटेरियल में फर्मी लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है, अपवर्ड शिफ्ट होगा, ये क्या है फर्मी लेवल अपवर्ड शिफ्ट होगा। अगर हम पी टाइप में बात करेंगे तो हमारे पास डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, ये क्या है फर्मी लेवल। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा एन टाइप मटेरियल में अपवर्ड शिफ्ट होता है और पी टाइप मटेरियल में डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। अब जो ये डाउनवर्ड और अपवर्ड शिफ्टिंग होती है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, बट जो ये शिफ्टिंग होती है फर्मी लेवल की, थोड़ी सी ऊपर की तरफ और थोड़ी सी नीचे की तरफ, ये बहुत स्मॉल होती है और इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, और हम मोस्टली बोलते हैं कि जो फर्मी लेवल है वो इन दोनों के सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है, इन दोनों के सेंटर में प्रेजेंट है, क्योंकि हम टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखते ही नहीं है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है मटेरियल को वहीं पे रखते हैं। अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करोगे तो फर्मी लेवल आपको कहाँ मिलेगा, इन दोनों लेवल के सेंटर में मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ई एफ का रिलेशन, ठीक है, कि ई एफ कहाँ रिलाई करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ, ठीक है, कितनी कंडक्शन हो रही है, कितने फ्री चार्जेस हमारे पास मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा ये किसके इक्वल होगी, एन ई म्यू ई प्लस पी ई म्यू एच, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि कंडक्टिविटी हमारे पास होल्स की वजह से भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी हो सकती है, तो ये होल्स इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी और ये हमारे पास होल्स की वजह से होगी, ठीक है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ होल्स
चार्ज ऑन होल्स, और ये क्या है मोबिलिटी ऑफ होल्स। मोबिलिटी मींस कि वो कितना का फास्ट या फिर स्लो मूव करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो होल्स की मोबिलिटी कम होगी किसके कंपैरिजन, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, जितना मास कम होगा वो उतना फास्ट जाएगा। ठीक है, जितनी कोई चीज फास्ट जाएगी मींस उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मोबिलिटी होती है वो क्या होती है, मोबिलिटी हमारे पास ई टाउ बाय एम। ठीक है, ई टाउ बाय एम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा और म्यू एच क्या हो जाएगा, ई टाउ बाय एम एच। अब यहाँ पे देखो जितना मास कम होगा उतनी मोबिलिटी ज्यादा होगी, जितना मास ज्यादा होगा उतनी मोबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो जितनी मोबिलिटी यहाँ पे ज्यादा होगी उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो हमारे पास एन और पी क्या थे, सेम थे। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर हम सिग्मा की वैल्यू, अच्छा हम सब कुछ किसके लिए कर चुके हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए करते हैं, बट इंट्रिंसिक में आपको अगर देखोगे यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो बहुत स्मॉल मिलेगी। ठीक है, तो हम ये एक्सप्रेशन किसके लिए फाइंड करते हैं, एक्सट्रिंसिक के लिए फाइंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंट्रिंसिक के लिए तो आप एन और पी को इक्वल कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा सीधे ही। अब हम बात करें अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो हमारे पास सिग्मा, पहले चार्ज बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि कॉमन है, एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच। अब अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन से देखें, लॉ ऑफ मास एक्शन से देखें, हमारे पास से एन आई स्क्वेयर किसके इक्वल था, एन इंटू पी, यहां से मैं एन या फिर पी की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो एन क्या हो जाएगा, एन आई स्क्वेयर बाय पी। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, कंडक्टिविटी की वैल्यू तो हमें पता है, हम ये पता करना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में हमें क्या चाहिए कि मिनिमम कंडक्शन के लिए, मिनिमम कंडक्टिविटी के लिए कितने होल्स या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हमने क्या करना है, मिनिमम कंडक्टिविटी के लिए कितने होल्स होने चाहिए और कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए सिस्टम में। ठीक है, तो उसके लिए किसी का मैक्सिमा या फिर मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं, उसका डेरिवेटिव करो और इक्वल्स टू जीरो रख दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको क्या करते हैं, पूरी या तो एन की टर्म में लेके आओ या फिर पी की, मैंने क्या लिखा है एन की वैल्यू निकाले है, तो इसको मैंने मैं पी के टर्म में लेके आऊंगी, तो ई एन की वैल्यू पुट की, एन आई स्क्वायर बाय पी म्यू ई प्लस पी म्यू एच। ठीक है, तो ये कंप्लीट टर्म पी की टर्म में आ गई है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं पी के साथ तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स आ जाएंगे मिनिमम कंडक्शन के लिए कितने चाहिए, तो इसको जीरो रख देंगे। अब इसके डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो ई इसका डेरिवेटिव माइनस आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव म्यू एच आ जाएगा, वन आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो इक्वल टू जीरो रखा तो यहां से क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, एन आई स्क्वायर म्यू ई बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एच। ठीक है, ये म्यू एच है। ठीक है, तो अब यहां से पी की वैल्यू क्या आ गई, एन आई स्क्वायर म्यू ई बाय म्यू एच, पी स्क्वायर है तो b की वैल्यू रूट एन आई स्क्वायर म्यू ई बाय म्यू एच, तो इसको एन आई स्क्वायर को बाहर लिख सकती हूँ, तो म्यू ई बाय म्यू एच आ गई हमारी p की, तो इतने नंबर ऑफ होल्स चाहिए मुझे मिनिमम कंडक्शन के लिए। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, तो यहां से क्या करोगे, अब p की वैल्यू निकाल लो, तो एन आई स्क्वायर बाय एन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास n लिखोगे, यहाँ पे p की वैल्यू एन आई स्क्वायर बाय एन लिखोगे, यहाँ पे n कर दोगे, फिर इसका डेरिवेटिव करो। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करोगे n के साथ करना है, तो म्यू ई फिर एन आई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर म्यू ऑफ h आ जाएगा। अब इक्वल टू जीरो रखा है तो यहां से क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, यहां से
म्यू ई इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, क्योंकि चार्ज तो जीरो नहीं हो सकता, इसी टर्म को जीरो होना पड़ेगा, एन आई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू म्यू ऑफ एच। तो एन स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर म्यू एच बाय म्यू ई। ठीक है, ये वाला टू इस तरफ रूट बन जाएगा, तो एन आई रूट म्यू एच बाय म्यू ई। तो हमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स चाहिए मिनिमम कंडक्शन के लिए। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसकी, इसकी वैल्यूज पुट की तो ई, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो क्या बन गया, सिग्मा इज इक्वल टू ई, एन की वैल्यू, ये क्या आया है मिनिमम कंडक्शन के लिए। ठीक है, एन आई म्यू एच बाय म्यू ई इंटू म्यू ई प्लस पी की वैल्यू, एन आई म्यू ई बाय म्यू एच इंटू म्यू एच, यही आ गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिग्मा एम ये किसके इक्वल आ गया, इलेक्ट्रॉन। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो एन आई रूट म्यू एच म्यू ई प्लस एन आई रूट म्यू एच म्यू ई, यही बन जाएगा। तो यहां से सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू टू टाइम्स एन आई ई म्यू एच। यहां से अगर हम देखें, गलत लिख दिया मैंने, ये इसकी पावर वन बाय टू है, ठीक है, इसकी वन है, तो वन माइनस वन बाय टू, तो ये वन बाय टू ही हो जाएगा वन। ठीक है, इसकी पावर वन बाय टू है, ऊपर जाएगा, ये तो वन बाय टू बना। इसका अगर आप देखोगे ये फिर से वन बाय टू, इसकी पावर इसकी पावर वन है, इसकी पावर माइनस वन बाय टू, तो ये यहां से टू माइनस वन, तो ये वन बाय टू ही बनेगा। ठीक है, ऊपर ही जाएगी दोनों टर्म, तो ये टू टाइम्स ये बन जाएगा। तो हमारे पास मिनिमम कंडक्शन कितनी आई है, इतनी आई है। तो हमारे पास मिनिमम कंडक्शन की वैल्यू इतनी आ गई है। अब यहां से अगर हम देखें, हमारे पास म्यू ई की वैल्यू ये है ई टाउ बाय एम ई स्टार। अब यहाँ पे टाउ क्या है, टाउ हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम है, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। अब ये वाले एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अभी एक गेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है, बहुत सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, और आपको अगर ये वैल्यूज याद थी तो आपके पास टू मार्क्स सीधे ही बन सकते थे। ठीक है, तो ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लर्न करना है। अब यहाँ पे टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, ये टाइम क्या है, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है कि दो कोलिजन के बीच में, ठीक है, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना टाइम था, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब ये टाइम क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतनी वो फास्ट कोलाइड करेंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा क्षति वो कोलाइड कर जाएंगे। तो जितनी ज्यादा जल्दी कोलाइड करेंगे उतना टाउ हमारे पास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा टाउ हमारे पास डिक्रीज होगा, अगर टाउ डिक्रीज हो रहा है तो म्यू ई भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर म्यू ई डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे देखो ये डिक्रीज हुआ तो कंडक्टिविटी भी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है कंडक्टिविटी की वैल्यू हमारे पास क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपने लर्न करना है, और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,